तो नाज़रीन, लंका प्रीमियर लीग का एक्शन मुकम्मल हो चुका है और हम आज बात करेंगे कम्प्लीटली कि किस पाकिस्तानी प्लेयर को कितने मुआवजे में चुना गया है और किस टीम ने इंतखाब किया है अपने टीम के लिए किस प्लेयर को, और कौन से पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स हैं, बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं जो कि लंका प्रीमियर लीग से इस बार महरूम रहेंगे। बीलाव कैंडी की टीम ने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चूज़ किया है, जिसमें फ़खर जमान, अमर जमाल, मोहम्मद हारिस और उसके बाद मोहम्मद हसनैन और आसफ़ अली शामिल हैं। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद हसनैन को $34,000 में और आसफ़ अली को $30,000 और मोहम्मद हारिस को $20,000 और अमर जमाल को $10,000 में ख़रीदा गया है बीलव कैंडी की तरफ से। और आगे बात कर दी जाए तो जाफा किंग्स में शुएब मलिक और जमान खान, जिसमें शुएब मलिक को $50,000 और जमान खान को $30,000 में लिया गया है। और अगर आगे बात की जाए तो दम्बोला शाहनवाज दहानी को $20,000 में मुंतखब किया गया, शाहनवाज दहानी को दम्बोला टीम ने $20,000 में हासिल किया है। जी हाँ, कोलंबो स्ट्राइकर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कितने डॉलर्स में ख़रीदा है उस पर हम बात करते हैं। उस पर हम बात करते हैं इफ्तिखार अहमद को $50,000 और उसके बाद फास्ट बॉलर वहाब रियाज को $40,000 और मोहम्मद नवाज को $30,000 में कोलंबो स्ट्राइकर्स ने ख़रीदा है। तो आपको मज़ीद बताते चले नाज़रीन के प्री ऑक्शन में इस बार रखा गया है बाबर आजम, फ़खर जमान और नसीम शाह। प्री ऑक्शन का मतलब ये होता है, आपको समझाता जाऊँ, कि ऑक्शन से पहले ही उनकी जो है प्राइसेस, उनके जो पहले ही उनकी डीलिंग हो चुकी होती है, जिसमें ऑक्शन में उनकी कोई भी मेंशन नहीं की जाती, इससे पहले ही उनकी डीलिंग हो चुकी होती है। तो हम मज़ीद आगे बात करते जाएँ कि कौन से खिलाड़ी इस बार लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं होंगे। तो उनमें जो है इमाद वसीम, आज़म खान, फ़हीम अशरम, सरफराज अहमद, हैदर अली, उमर अकमल और शर्जील खान। जी हाँ, ये प्लेयर्स बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्हें किसी टीम ने भी नहीं ख़रीदा। अगर बात करते जाएं इमाद वसीम और आज़म खान और शर्जील खान की, तो इनको आई थिंक सो किसी ना किसी टीम ने पिक करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने PSL में भी अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई है। और ऑलराउंडर इमाद वसीम जो कि हमेशा से पाकिस्तानी टीम में भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। और तो मज़ीद आप हमें बताइएगा कि इस प्रीऑक्शन में आपको कौन सी टीम जो है सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और कौन सी टीम जो है इस बार लंका प्रीमियर लीग का कप उठाएगी। तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।